अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, होश गेल्दिनिस। मेरा नाम है अलीना जान और आज मैं आप लोगों को एक ख़ास जगह की ज़्यारत करवाऊंगी और ये जगह है हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार। आज मैं उनकी दरगाह में हाज़िर हुई हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं और ये कब्र जो है हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक तकरीबन 17 मीटर लंबी है। बहुत बड़ी जो है वो कब्र मुबारक है हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की। और कहते हैं ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। यहाँ पे लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं और दुरूद सलाम भेजते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है, सुभान अल्लाह। और ये मज़ार जो है इस्तंबुल के एशियन साइड बेकॉज़ एक जगह है, वहाँ पे ये हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार है और यहाँ पे आने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और ये मज़ार जो है इस्तंबुल की एक पहाड़ी पे वाक़ है और टॉप प्लेस जिसे कहेंगे इस्तंबुल का वो ये है। यहाँ पे बैठने का अच्छा इंतज़ाम किया गया है, यहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई गई है और वो मस्जिद जो है 1755 जब सुल्तान सुलेमान का दौर हुकूमत था तब तामीर की गई थी ये मस्जिद। और बहुत ही पुरसकून जगह है, शहर से काफ़ी दूर ये मज़ार है, पुरसकून है। यहाँ पे लोग आते हैं, वेदर इंजॉय करते हैं, दुआएं मांगते हैं और जैसे ही आप मज़ार से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ स्टॉल वगैरह भी नज़र आएंगे जहाँ पे चाय भी मिलेगी आपको और कुछ स्नैक्स वगैरह भी जो है वो मिलेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।